तो है गाइस वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले स्टूडियो माइनक्राफ्ट। तो गाइस अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके जरूर देख लेना। तो गाइस आज के स्टूडियो में हम लोग बनाने वाले हैं 1 एमरल्ड विलेजर फार्म। ये काफी ज्यादा बढ़िया काम करने वाला है गाइस। ये जो फार्म है ना मुझे काफी ज्यादा दिनों से बनाना था बट उसके लिए मेरे पास सामान इनफ नहीं था। सो गाइस आज मैं सारा सामान भी इनफ कलेक्ट कर चुका हूँ। एंड देखो मेरे पास काफी ज्यादा लाइब्रेरियंस है, ये भी सीक्रेट लाइब्रेरियंस मैं भी। एंड मेरे पास आर्मरर्स है, टूल स्मिथ है, फार्मरर है, फिर लाइब्रेरियन है। इन सभी को मैं डाल सकता हूँ अपने विलेजर के 1 एमराल्ड फार्म के अंदर। सो गाइज मेरे पास देखो गोल्डन एप्पल्स भी है, मेरे पास ना पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए ब्लेस पाउडर भी है। एंड गाइज इसी वजह से आज मैं ये फार्म बना सकता हूँ, वरना ये फार्म बिल्कुल ही वर्क नहीं करता ब्लेस पाउडर के बिना। सो मैं नेदर की जर्नी भी कंप्लीट करके आ चुका हूँ, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो लगा देने वाला हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। बट आप लोग सबसे पहले देखो मेरी नेदर की जर्नी, उसके बाद मैं आप लोग को अपना फार्म ट्यूटोरियल देता हूँ जो विलेजर का 1 एमराल्ड फार्म है, ठीक है। बट उससे पहले आज के फटाफट से शाउट आउट की तरफ को बढ़ते हैं, देते हैं आज के सारे शाउट आउट। ओके तो गाइज आज का फर्स्ट शाउट आउट जाता है हमारे माइनक्राफ्ट किंग को। आज का सेकेंड शाउट आउट जाता है हमारे एबी अंशु भाई को। आज का थर्ड शाउट आउट जाता है पार्थ कोराट गेमिंग को। आज का फोर्थ शाउट आउट जाता है टेक्नो मास्टर गेमिंग को। भाई थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया गाइज यार। फाइनली हमारा शाउट आउट बोर्ड पूरी तरह से भरने वाला है गाइज यार, थैंक यू फॉर इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। एंड गाइज फटाफट से बढ़ते वीडियो की तरफ को। में यार यहाँ पे काफी ज्यादा, अरे यार ब्रो तुम क्यों चिंता लेते भाई, मैंने ऑफलाइन काफी ज्यादा भाई चीजें लगा दिए। गाइस मैं आ चुका हूँ तो नेदर के अंदर ही हूँ और मैंने अभी नाइट विजन का पोशन लगा दिया। मैं यहाँ से एक ब्लेज रोड निकाल के वापस अपने ओवर वर्ल्ड के अंदर चला गया था। बाकी आपको पता ही भाई मेरे विलेज के आसपास काफी ज्यादा विलेज है जिसके अंदर मुझे ग्रीन स्टैंड मिल जाता है। एंड गाइस मेरे पास 6 है, बस थोड़ी सी निकाल लेता हूँ, इसलिए मुझे वापस से नेदर प्रोसेस के अंदर आना ना पड़े। भाई 600 ब्लॉक दूर है, इसलिए मैंने ना कोई नेदर वाला वीडियो नहीं बनाया कि मैं फालतू में वहाँ जाऊँ एंड दिखाऊँ आप लोग को भाई ये। मैं डायरेक्टली स्पॉनर के पास ही पहुँच चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे पास वही सारा सामान है जो मैंने रखा हुआ है। बस मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा गोल्डन एप्पल ले आया, आपको पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा चेस्ट के अंदर एप्पल रखे थे, बस मैं थोड़े से गोल्ड लेने आया था यहाँ पे। एक बार मैं यहाँ पे टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ, मेरे को ना कम से कम सिर्फ 10 चाहिए बस। मेरे को गेड़ा लग गया, मेरा फायर रेजिस्टेंस जा रहा है भाई, फायर रेजिस्टेंस जा रहा है ब्रो। भाई 9 तो हो गई, अब 10 कर लेता हूँ बस, निकल लग चुका है। कोई पीवीपी को नहीं वो एक्चुअल में मैं कोई ज़्यादा पीवीपी करता नहीं हूँ। सो ओके ऑलराइट फाइनली कवर अप हो गया है। सो गाइज मैंने फाइनली ब्रो 12 निकाल लिए, बहुत ज़्यादा इनफ हो चुके ब्रो। एंड मुझे नहीं फटाफट से वापस अपने ओवर वर्ल्ड के अंदर निकल जाता हूँ। अबे यार तुम सब माओ के ना हो भाई, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम तो पहले निकलो भाई, तुम्हारा जवाब तो मैं तुम्हें एरो से दूंगा बेटे। मेरे पास कोई कम्बो नहीं है बेटे, आर यू सीरियसली ब्रो यार, एरो मुझे ऐसे लग गए। अब फटाफट से भागता हूँ एंड निकलता हूँ अपने घर की तरफ। कंटिन्यू करते हैं हमारे विलेजर ट्रेडिंग हॉल को, कंटिन्यू करते गाइज। ओके तो गाइज मैं फाइनली अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइज मैं इस नेदर पोर्टल से वहाँ गया था एंड वहाँ से मैंने अपने लिए ब्लेज रोड कलेक्ट की थी एंड मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिली है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो गाइज ये देख सकते हो मेरे पास एक ब्रूइंग स्टैंड है एंड यहाँ इस चेस्ट के अंदर सारी की सारी नेदर की लूट रखी है भाई। ये देख लो गाइज मैंने ना वहाँ पर जो भी ब्लेज रोड कलेक्ट की थी वो मुझे 6 डायमंड मिल चुके, एक सैडल, बाकी मैग्मा क्यूब्स एंड थोड़ी सी नेदर रोड्स, बस ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अब मैं क्या करता हूँ इसका ना पाउडर ले लेता हूँ सिंपली थोड़ा सा। एक से कितना मिलता है, हाँ 2 मिलते हैं शायद ब्लेस पाउडर। अब हमें सिंपली इसको ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल देना है, हमारा काम कम्प्लीट हो गया है। अब बाकी अब आपकी जब भी मर्जी हो तब आ जाना, ठीक है। ऐसा ब्रूइंग स्टैंड कहता है, मैं नहीं कहता भाई। एंड गाइज मेरे हिसाब से ना मेरे को वो जगह बढ़िया लगी एंड मैंने उस जगह को थोड़ा सा टेराफॉर्म भी कर दिया है अपने हिसाब से, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा अच्छा लगा वहाँ पे विलेजर हॉल बन सकता है। एंड मैंने थोड़ी सी यहाँ पे स्टेयर्स लगा दी फार्म के अंदर जाने के लिए,
सो ये जगह अच्छी है तो मैं यही बनाने। ओके तो गाइस अभी विलेजर होल बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए आप लोग देख सकते हो, ये सारा का सारा सामान इसको बनाने के लिए चाहिए। एंड गाइस अभी एक ट्विस्ट आ चुका है इसको बनाने के लिए, तो मैं आपको ट्विस्ट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो गाइस मैंने ना विलेजर होल इसके अंदर बनाने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि गाइस ये मुझे ना काफ़ी बढ़िया बिल्ड लगा तो मैंने बना लिया। मैंने इसका ट्यूटोरियल मेरे सजेस्ट हो रहा था तो मैंने बस इसको बना दिया। एंड मैंने इसका मोंटाज इसलिए नहीं बनाया क्योंकि गाइस यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाना हो जाता है, सो मैंने इसलिए इसको बनाने का ट्यूटोरियल नहीं दिया। तो गाइस इस वजह से मैं इसके अंदर अब विलेजर का बनाने वाला हूँ 1 एमरल्ड ट्रेडिंग फार्म। सो फटाफट से मैं सारा का सारा सामान निकाल लेता हूँ चेस्ट के अंदर से, क्योंकि मेरे पास एक बढ़िया सा शवल था डायमंड का बट पता नहीं कहाँ खो गया है उस वीडियो के अंदर, बट कोई बात नहीं अब कहीं कर सकते। ओके तो गाइज मैंने फाइनली इसको कंप्लीट कर लिया है कुछ इस टाइप से। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 6 विलेजर के लिए बनाया, आप चाहो तो आप इसको 10 विलेजर भी लगा सकते हो, मैंने सिर्फ 6 विलेजर के लिए किया। आप लोगों को सिंपली क्या करना है इसको एक एक ब्लॉक डिग डाउन कर लेना। ओके तो इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है इसको एक और ब्लॉक नीचे डिग डाउन कर लेना है सारे को। सो ओके गाइज कुछ इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है अपने यहाँ पे पिस्टन्स ले लेने हाथ के अंदर, नॉर्मल पिस्टन, ठीक है, स्टिकी पिस्टन का यूज़ नहीं करना, मतलब ये फार्म काफ़ी अच्छा है स्टिकी पिस्टन के बिना ही काम कर जाएगा। अभी आप लोग को क्या करना है यहाँ पे जो भी आप लोग नीचे डिग डाउन करना है, एंड ये जो ब्लॉक है ना इस ब्लॉक से आगे आप लोग को सिंपली 2 ब्लॉक आगे कर देना है माइन। ओके उसके बाद आप लोग को रेड स्टोन डस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे दोनों साइड ना आप लोग को दो दो रेस्टोन के ब्लॉक लगा देने, एंड यहाँ पे पिस्टन को प्लेस कर देना, एंड लीवर ले लेना आपको अपने हाथ के अंदर, एंड इसको एक ब्लॉक यहाँ पे लगा देना, एंड यस तो फाइनली वॉक कर रहे। अब आप लोग को सारी की सारी साइड ना मतलब मैंने 6 के 6 कुछ इस टाइप से कंप्लीट कर देना है। ओके तो गाइज मैंने सारी की सारी सेट फाइनली कंप्लीट कर दी है, अब फटाफट से दूसरा काम करता हूँ, बट उससे पहले नाइट हो चुके तो मैं फटाफट से वापस आता हूँ डे करने के बाद। ओके तो गाइज अब आप लोगों को क्या करना है सिंपली अपने पास स्क्रूज के लॉक ले लेने, एंड इसको कुछ इस टाइप से चारों की चारों सेट नहीं मतलब में सभी सेट कुछ इस तरह से प्लेस कर देना गेट के बीच के अंदर, फिल कर देना इसको। ओके सो अब क्या करना है यहीं पर वैसे ही ऐसे कर देना, मैं अभी अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर। सो नाउ हमारा बिल तो कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग देखो मेरे 1 घंटे की मेहनत इतना बढ़ दोगे इसको, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस डिज़ाइन को ढूंढने में। वेल इतनी इजी भी नहीं है इतनी हार्ड भी नहीं है, बट हाँ हो चुकी है। अब हमें फाइनली एक काम बचता है जो कि भाई हमें नेम टैग को सिंपली नेम देने के लिए घर पर जाना पड़ेगा क्योंकि एनिमल हमारे पास है नहीं। सो ओके सो अब हम हमारे नेम टैग का नाम रखेंगे सब्सक्राइब। गाइज अगर आप लोगों ने मैं से किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज ये नेम टैग हमें भाई सिंपली हमारे जोम्बी को लगाना है, रात को जोम्बी आएगा उसको बस हमें लूर करके लेके आना है हमारे पीछे, एंड बस फाइनल काम हो गया हमारा। जोम्बी की व्यवस्था करने के लिए तो मैंने ऑलरेडी भाई कुछ काम कर दिया है, सो मैं वो यहाँ पे रात को ना जोम्बी आएगा तो मैं उसको कैप्चर कर लूँगा, एंड अगली सुबह मैं आप लोगों से फटाफट मिलूँगा। बट उससे पहले काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम करना है जो कि यहाँ पे विलेजर्स को लेके आना, बट उसे भी पहले एक काम कर कंप्लीट नहीं हुआ है जो कि हमारे ट्रैपडोर्स को लगाना, एंड ट्रैपडोर को लगाना भाई काफ़ी ध्यान से लगाना पड़ेगा। ओके सो मैं फटाफट से ब्लॉक को निकाल लेता हूँ बाजू में, उसके बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है इसके बाद एक और ऐसे करके नीचे से तोड़ देना है, उसको क्लोज कर देना है, एंड बाकी अपने हिसाब से इसको बंद कर देना है। ये हमारी सस्ती एलिवेटर। एंड गाइज अब आप लोग को जोम्बी लेके आना है, तो जोम्बी को तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे से जोम्बी बड़े आराम से आ जाएगा। ऑफ कोर्स आप लोग इसको साइड से भी लेके आ सकते हो, मैं बस जोम्बी को ले आऊँगा फटाफट से जितनी जल्दी हो सकती है। सो मैं फटाफट से काम करता हूँ, अभी नाइट का वेट करता हूँ, एंड जोम्बी को कैप्चर करने के बाद सुबह आप लोगों से वापस से मिलता हूँ।
ओके तो गाइज मैंने फाइनली जोम्बी को कैप्चर कर लिया एंड गेस व्हाट गाइज मुझे भाई हेलमेट पहना मिला भाई जोम्बी यानी कि वो डीन में जल ही नहीं सकता गाइज इतना बढ़िया मेरा किस्मत है। बट अभी मैं फटाफट से क्या करने वाला हूँ यहाँ पे इसको तोड़ दूंगा एंड ये रहा अबे अपना चमन दोस्त भाई आजा तेरे को ना मैं सब्सक्राइब दे दूँ ये ले भाई सब्सक्राइब और भाई इसी के साथ सारे के सारे भाई सब्सक्राइब करेंगे आ जाओ मेरे को मार पहले मार यार मारे भाई ऐसा थोड़ी ना तुझे आने दूँ भाई आ जा अरे अबे मैं फंस गया मैंने भाई ट्रैप डोर नहीं खोला मेरे को क्या काम करना है सिंपली ट्रैप डोर को खोलना है एंड मैं भाग रहा हूँ भाई भागो 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 भाई भागो मैं इसके गेड़े पे आ चुका हूँ गाइस मैंने थोड़ा सा डंप जैसा काम कर दिया आ जा एंड बस अब कुछ नहीं कर सकता एंड कोई बात नहीं गाइज अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ सिंपल सा मुझे मार ले भाई थोड़ी देर के लिए ठीक है अब मैं इसको क्या करूँगा इस साइड की जगह ट्रैप कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं ट्रैप डोर लगा दूँगा अपने बाकी अब अपना 97% काम कंप्लीट हो चुका है बस अब विलेजर को लेके आने बट गाइज मैं उसको नहीं दिखाऊँगा विलेजर ले आने का तो मैं फटाफट से आप लोगों से मिलता हूँ सारे के सारे विलेजर्स को ले आने के बाद ओके तो गाइज अभी मैंने सारे के सारे विलेजर्स को ना यहाँ पे लेके आ चुका हूँ एंड देखो गाइज सारे के सारे आ तो चुके ओके मार डाला यार उस विलेजर को तो भाई ये कैसे मार पा रहे हैं भाई अरे नहीं यार मत मारना यार पता नहीं इतने विलेजर क्यों और हुए अब क्या करने वाला हूँ मैं फटाफट से घर के अंदर जाके विकनेस का पोशन बना देता हूँ गाइस फटाफट एंड गाइस मैं फटाफट से इसको प्ले स्टेशन मार देता हूँ एंड गोल्डन कैरेट निकाल लेता हूँ एंड इसको रख देता हूँ कि भाई कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे ओके तो गाइस फाइनली हमारे ये सारे के सारे विलेजर्स कन्वर्ट हो चुके मतलब मैं दो ही थे एंड एक ने हमारे लिए भाई टूल्समैन की जॉब ले ली है बट फिर भी ये महंगा है एंड फार्मर तो देखो भाई कुछ ज़्यादा ही सस्ते आ चुके भाई फाइनली हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वर्क कर रहा है सो गाइज और फटाफट से वीडियो की एंडिंग की तैयारी करते हैं एंड होप यू गाइज तुम लोग वापस से कमेंट करो एंड वापस से शाउट आउट मिले सो फटाफट से करते हैं वीडियो की एंड सो नाउ इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोग को वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग सरबल से इसका एपिसोड 7 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 12 लाइक करा देना तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक बाय।